अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने YouTube चैनल के लोगों को, YouTube चैनल के आर्ट को, यानी YouTube चैनल पर जो पीछे में जो फोटो रहता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, और YouTube चैनल जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर जो लोगो नज़र आता है, जो फोटो नज़र आता है, वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपना YouTube ओपन कर लीजिए। आप जैसे ही YouTube ओपन करेंगे, खोलेंगे इसको, तो आपको सबसे टॉप में, सबसे ऊपर में आपको नज़र आएगा एक सर्च। सर्च के बगल में आपको नज़र आएगा आपका फोटो होगा यहाँ पे। अगर आपका फोटो नहीं होगा तो आपका जो नेम होगा उसका पहला लेटर, पहला कैरेक्टर जो है वो नज़र आएगा। सिंपली आपको करना क्या है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर के आपको क्लिक करना होगा योर चैनल पे। या फिर अगर उससे पहले अगर आपका कोई चैनल जो हो, दो तीन चैनल आप रख रखे हैं, तो अगर चाहते हैं कि हाँ दूसरा कोई चैनल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब्दुलरहमान जी बैंकिंग है, मैंने उसके ऊपर में क्लिक किया, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वो चैनल है। तो मेरा यही अब्दुलरहमान जी है, अब्दुलरहमान जी बैंकिंग वाला, तो मैं इसी के लोगों को मैं चेंज करूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर में क्लिक किया, तो सिंपली आपको करना क्या है, योर चैनल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको नज़र आएगा एडिट चैनल। सिंपली आप एडिट चैनल पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा आपका फोटो। तो सिंपली पहले आप यहाँ से फोटो चेंज कर लीजिए, तो इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आप फोटो अभी लेना चाहते हैं तो आप अभी फोटो खींच सकते हैं टेक अ फोटो पे क्लिक करके, और या फिर आपके फ़ोन में पहले से फोटो है जो आप लगाना चाहते हैं तो आप चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ पे क्लिक कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, चूज़ फ्रॉम योर फोटो पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं वो फोटो सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे यहाँ पे लगाना है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फोटो जो है वो देखूँगा कौन सा फोटो जो मुझे लगाना है यहाँ पे। तो मुझे ये फोटो अगर नज़र आएगा तो यहाँ पे ठीक है, अगर नहीं नज़र आता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में तीन लाइन आपको आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा फोटोज़ या फिर गैलरी। सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। इसके ऊपर में क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं वो फोटो जो फोटो आपको लगाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फोटो ले लेता हूँ कोई भी, सपोज़ करता हूँ मैं यही फोटो ले लेता हूँ, इसको मैं लगाना चाहूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बोलेगा क्रॉप करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए कि हाँ कितना आपको रहना चाहिए, कितना आप वो करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इसको आप दोनों उंगली से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो दो उंगली रख करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर लीजिए जहाँ तक आपका फोटो चाहिए वो ले करके। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नजर आएगा सेव बटन, सिंपली आप सेव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा वैसे आप देखिएगा यहाँ पे लोड होगा, लोड होने के बाद में आपका फोटो जो है वो चेंज हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स के अंदर में। प्रोफाइल फोटो अपडेटेड सक्सेसफुली, अभी आप देखिएगा तो प्रोफाइल फोटो जो आपका चेंज हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको पीछे जो नज़र आ रहा है इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप कोई भी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो फोटो आपने बना रखा है चैनल आर्ट के लिए। अगर आपको नहीं पता है चैनल आर्ट, यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट को जब एक्सेस कीजिएगा तो वहाँ पे एक वीडियो होगा कि कैसे आप बना सकते हैं ये क्या बोलते हैं कि लोगो चैनल के लिए, और चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा, उसको आप देख करके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए साइज़ चाहिए होता है। चलिए मैं अभी आपको मैं बताऊं, तो मैं यहाँ से कोई भी एक फोटो लेता हूँ, सपोज़ मैं अगर ये फोटो लूँ तो यहाँ पे ये नहीं होगा। देखिए योर इमेज डायमेंशंस आर स्मॉलर देन द मिनिमम या फिर लार्जर देन द, इस तरीके से बताएगा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपने नहीं फुलफिल किया है। तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना रखा है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और जो मेरा ओरिजिनल फोटो जो मैंने क्रिएट कर रखा है उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट कर लूँगा जो कि मैंने उसी के डायमेंशन में बना रखा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बता देगा कि हाँ किस तरीके से नज़र आने वाला है। तो इसको जूम इन जूम आउट करके मैं इसको देख लूँगा कि हाँ मुझे किस तरीके से दिखाना है। इसको दोनों उंगली से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जूम इन कर लिया, थोड़ा सा और करता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे इतना नज़र आया कि हाँ इतना क्लियर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इतना कर करके उसके बाद में आपको जूम इन जूम आउट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली सेव बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में देखिए ये सेव हो जाएगा। जैसे इसको आप सेव कीजिएगा तो अभी आपको यहाँ पर लोड नज़र आएगा, उसके बाद में आपका प्रोफाइल ये जो है बैकग्राउंड चैनल आर्ट जो वो अपडेट हो जाएगा। योर चैनल चैनल बैनर अपडेटेड सक्सेसफुली, अब देखिएगा यहाँ पर आपको नज़र आने लगा कुछ और, ठीक है। अगर अभी मैं जाऊँ, अगर मैं अभी चैनल को चैनल अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको, सिंपली आप यहाँ पर बैक बटन पर क्लिक कीजिए। अभी आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे लोगो नज़र आएगा चेंज, और बैकग्राउंड जो वो चेंज हो गया। मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप YouTube चैनल लोगो और YouTube चैनल बैनर जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, उसको मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। और हाँ, किसी भी सोशल नेटवर्क पर फॉलो नहीं कर रखे तो वहाँ पर फॉलो कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और हाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।